हमारे नेता का एक ही बस संकल्प है, भाजपा मुक्त देश बनाने का, भारत बनाने का। भाजपा हटाओ, देश बनाओ, देश बचाओ। काहे पसीना बीजेपी के लोगों को छूट रहा है? इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने क्लियर कर दिया है कि आज जो बैठक होनी है उसमें कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो चेहरा कौन होगा वो चुनाव पहले लड़ा जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, हम आपको सुना रहे हैं। आज बैठक होनी है दिल्ली में, उससे पहले पटना में पोस्टर लगाए गए हैं कि नीतीश है तो निश्चित है, निश्चिंत रहिए। नहीं नहीं, हमारे नेता विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और आपको पूरा देश एक बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे नेता की ओर देख रहा है। हमारे नेता का एक ही बस संकल्प है, भाजपा मुक्त देश बनाने का, भारत बनाने का, और उस संकल्प में हमारे नेता लगातार लगे हुए हैं। और आज आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की आज बैठक है, बैठक में सभी लीडर ने शिरकत कर रहे हैं। देखिए, इंतजार करिए, उसके बाद खुद वहाँ से ब्रीफिंग करेंगे आपके प्रेस के मीडिया के साथियों को। जो नेता के चेहरा, नीतीश जी का चेहरा होते लगातार मांग एक प्रबल दावेदार है। नहीं, ये तो हम लोग बैठ के तय करेंगे, उसमें कहीं दो राय है क्या? आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां आप इशारा कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत है, लेकिन हमारा वो मनसा नहीं। हमारा राय, हमारा जो है, हमारे नेता विपक्षी एकता को मजबूत करके भाजपा हटाओ, देश बनाओ, देश बचाओ, इस संकल्प में हम लोग, हमारे नेता बीजेपी कह रहे हैं कि चेहरा ही नहीं मिला। अरे बीजेपी कह रहा है कि कोई चेहरा ही नहीं, हमारे तरफ से मोदी जी है। अरे देखते जाइए ना, काहे पसीना बीजेपी के लोगों को छूट रहा है? आज तो इंडिया गठबंधन अपना आकार ले लिया है, तब बेचैनी आ गया है, नींद आपका हराम हो गया है, नींद नहीं आ रहा है। देखते जाइए, इस बार जो 24 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। अरे फिर सम्राट की बात क्यों कर रहे हैं? सम्राट जी की बात नहीं करी, वो जो कुछ बोलते हैं वो मानसिक स्थिति है उनकी खराब है। मैंने तो पूर्व में भी कहा है कि भाजपा वाले लोग उनके आला का मानो उसको इलाज कराए, उन्हें ले जाए, इलाज कराए, फिर रखें। पहले इंडी गठबंधन और अब फ्रोडिया गठबंधन का नाम दिया गया है भाजपा की ओर से, इन पर क्या कहेंगे? भाजपा कुछ भी बोल सकता है, भाजपा के पास कोई मुद्दा है क्या? बस यही गाल बजाना है, कोई विकास का कोई बात करता है क्या भाजपा? और आप जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है वो फर्जी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जो है फर्जी, उसको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से भी कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ धर्म की राजनीतिकरण करना चाहता है, अपनी राजनीतिक की रोटी सेकना चाहता है, कैसे केंद्र में सत्ता बरकरार रहे, बस यही उसका एक मंशा है, लोगों को भटकाने का, सही रास्ता से लोगों को दिशाविहीन करने का। लेकिन इस बार जनता सबक सिखाएगी। सर आपके ही गठबंधन के नेता हैं, सर आपके ही गठबंधन के नेता हैं सुनील सिंह, कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी हालत वैसी है जैसी मानिए व्यक्ति का पूरा शरीर नंग धरंग हो और वो पैर में पैजाब पहने हो। बहुत लोग की बहुत बेचैनी रहती है हमेशा मीडिया पर छाए रहने की। आप इंतजार करिए ना, ये तो नेशनल न्यूज है ना, ये तो नेशनल लोग बैठ, आज राष्ट्रीय लोग बैठ रहे हो वहाँ, तो ये तो वो बताएंगे ना सीट शेयरिंग पर। दिक्कत कुछ नहीं होगी लग रहा है। आप जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ चुनाव लिया है, संकल्प लिया है चुनाव लड़ने का। अरे वो लोग तो तय करेंगे ना, इसमें आप लोग क्या है, वो तो खुद बिलीव करेंगे, खुद आपके हमारे इंडिया गठबंधन के नेता सभी लोग आपको, आप इंतजार कर लीजिए, बैठक के बाद खुद ब्रीफ होने वाला। सुनील सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं नीतीश, अरे भाई आप सभी देखिए, जो लोग उस पर कोई भी बात हमारे घटक दल के कोई लीडर कोई बोलते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म होता है, हम तो जो भी लीडर बोलते हैं उनको कहेंगे कि कोई भी बात करना है तो प्लेटफॉर्म पर आकर कहिए। तो आपने सुना कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि जो आज बैठक होनी है उसमें कैसे साझा प्रोग्राम किया जाए, कैसे रैली किया जाए, उसको लेके विचार विमर्श होना है, न कि प्रधानमंत्री का चेहरे को लेके विचार विमर्श होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले तो 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा पर फैसला किया जाएगा, चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को लेकर जो बैंक कसा था उसको लेकर सम्राट चौधरी पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने व्यंग कहा है, और उन्होंने ये कहा है
कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, वो पहले इलाज करवाएं उसके बाद ही कोई तरह का बयान दें। आलोक कुमार दस, न्यूज पटना।